أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان हाज़िरीन गिरामी आदाब व हुकूक़ के सिलसिलावार दुरूस में अब तक हमने नियत के आदाब अल्लाह ताला के आदाब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब मालूम किए हैं। अल्लाह और रसूल से मुतालिक आदाब में से एक है इन दोनों पर ईमान रखा जाए, तो उसी मुनासबत से ये मुनासिब समझा गया कि कलिमाए शहादतैन की वजाहत और उसके मफहूम को आपके सामने रखा जाए। सबसे पहली बात कि कलिमाए शहादतैन का सबूत एक ही जगह पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये साबित है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये मशहूर व मारूफ हदीस है, क्योंकि इससे पहले एक बात आई थी कुछ मुफ्तियों की तरफ से कि कलिमाए शहादतैन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इकट्ठा एक जगह पर दिखा नहीं सकते। इतनी मशहूर मारूफ हदीस है और इसके अलावा कई रिवायतों में है ये बुनियाद इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर रखी गई है। ये हदीस सही बुखारी, ये हदीस नंबर 4515 में है, हदीस नंबर 8 में है और उसके अलावा सही मुस्लिम में है, नसाई में, तिर्मिज़ी में, अहमद में है, हुमैदी में है और उसके अलावा बहुत सारी हदीस की किताबों में यह हदीस मरवी है। इसमें सरात के साथ है कि शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ही जगह पर सरात के साथ है। हाज़रीन, आइए कलिमा शहादतैन के माने और मफहूम को मुख्तसरन समझते हैं, क्योंकि ये कलिमा शहादतैन ही इस्लाम की बुनियाद है। इन दोनों को समझकर, इनका इकरार करके, दिल में यकीन रखकर आदमी मुसलमान होता है, पक्का सच्चा मोमिन बनता है। जो कलिमा शहादतैन के मफहूम माने तकाजे को नहीं समझता उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता है, वो इस्लाम में दाखिल ही नहीं होता है। इसलिए जब कोई इस्लाम में दाखिल होना चाहता है उसको यही कलिमा पढ़वाया जाता है कि तुम कहो अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। हाज़रीन, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले इसको समझें, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, किस बात की गवाही, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। इस कलिमे के दो पार्ट है, ला इलाहा और एक है इल्लल्लाह। ला इलाहा और इल्लल्लाह, ला ये नफी जिन्स है जिसके माने उस
कि जिस पर दाखिल हो उस जिन्स के उस जेंडर की मुकम्मल नफी होती है, मुकम्मल उसका इनकार होता है। तो दो पार्ट में, पहले पार्ट में इनकार है, ला इलाह में इनकार है और इल्लल्लाह में इकरार है। अगर कोई बंदा ये इनकार और इकरार दोनों पर अमल करता है तब जाके उसका ईमान मुकम्मल होता है, वरना वो मोमिन मुवाहिद नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें और आपको इनकार करना है। किसका इनकार? तमाम माबूदान बातिला का इनकार करना, ला इलाहा, इबादत के हकदार कोई नहीं। ये ला नफी जिन से कोई का माना आ गया, यानी इबादत, इलाह के माने इबादत के हकदार, इबादत के हकदार कोई भी नहीं। सब का पहले इनकार करो। क्यों इनकार करना है? मिसाल के तौर पर अगर आपको खेतीबाड़ी करनी है, बागबानी करनी है, कहीं गार्डन बनाना है, तो क्या करते हैं आप? लाते ही सबसे पहले बीज डाल देते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले उस जमीन की सफाई करते हैं। उस जमीन में घास फूस है, पत्थर है, दीगर चीजें हैं, जो बेकार की चीजें हैं, बातिल चीजें हैं, उन सब को आप सबसे पहले साफ करते हैं। तो पहले दिल से बातिल चीजों को साफ करो, सब का इनकार करो। पहले ला इला, कोई इबादत का हकदार नहीं है। ये इनकार होने के बाद अब इकरार करो। किसका इकरार? सिर्फ एक अल्लाह का इकरार करो, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह इबादत के हकदार है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के हकदार नहीं है। तो पहले हमें यह करना कि सारे माबूदाने बातिला का इनकार और एक अल्लाह का इकरार। और किस बात के इनकार और इकरार है? उबुद, इबादत के ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से, कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी है, अल्लाह के सिवा सारी चीजों की इबादत का इनकार करना है, इबादत का इनकार करना है। और इबादत क्या क्या है? नमाज में आप देखेंगे सबसे पहले हम नियत करके खड़े होते हैं, नियत दिल के इरादे को है, जबान से नहीं। अल्लाह के लिए नियत करना इबादत है, गैरुल्लाह के लिए करना शिर्क है। हाथ बात के बाद अब खड़ा होना अल्लाह के लिए इबादत है, गैरुल्लाह के लिए शिर्क है। रुकू करना अल्लाह के लिए इबादत है, गैरुल्लाह के लिए शिर्क है। सजदा करना अल्लाह के लिए इबादत है, गैरुल्लाह के लिए शिर्क है। और इबादत रखी, बंदे का काम है बंदगी करना, बंदे का काम है बंदगी करना। इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूं, जिंदगी बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। बंदा है, काम है बंदगी करना। बंदे के कहा जाता है अब्द, और बंदगी का सबसे ऊंचा मैयार है सजदा। बंदगी का सबसे ऊंचा मैयार है सजदा। इसलिए क्या कहा गया कि बंदा सबसे ज्यादा रब से जो करीब होता है वो सजदे की हालत में, अक्रब मा यकुनुल अब्द मिन रब्बी वो हुआ फि सुजूद। बंदा सबसे ज्यादा रब से करीब होता है सजदे की हालत में, क्योंकि सजदा ये इबादत के सबसे ऊंचा मैयार है। अल्लाह जिससे बहुत खुश होता है, बंदे की बंदगी का सबसे गायब दर्जे का एहसास है कि बंदा तेरा काम है बंदगी करना, तो अपने आप को अल्लाह के सामने आजिज समझ, अपने आप को तू जलील हो कहकर अपने आप को तू झुका, और इसका सबसे ऊंचा मैयार होता है कि सजदा। सजदा बंदे के लिए सबसे ऊंचा मैयार है और अल्लाह के लिए सबसे बड़ा हक है। ये अगर ये सजदा अल्लाह के सिवा किसी और के लिए कोई बंदा करता है, किसी और के लिए, चाहे वो जिंदा हो, मुर्दा हो, हजर हो, शजर हो, कबर हो, इंसान हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, चरिंदे हो, दरिंदे हो, परिंदे हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, चाहे वो अवलिया हो, अत्किया हो, सिद्दीकीन, शहादा, सालिहीन, अंबिया, मलाइका, फरिश्ते, कुछ भी हो अल्लाह के सिवा जो भी हो, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, अल्लाह ही बरहक है।
وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَالْبَاطِلِ اور اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے سب باطل ہے, سب باطل ہے. تو یہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے, لا الہ الا اللہ. اب اگر کوئی بندہ عبادات کے ان ارکان کو اور ان عبادت کے ان اقسام کو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے دیتا ہے, جیسے میں نے بتایا ابھی کہ قیام اللہ کے لیے ہونا, قوموا للہ قانتین, رکوع اللہ کے لیے, ورکعوا واسجدوا اللہ کے لیے رکوع کرو سجدہ کرو, اور اس کے بعد ہم نماز میں دعا کرتے ہیں, دعا اللہ سے مانگو غیر اللہ سے نہیں, نظر و نیاز منتیں مانو اللہ کے لیے, طواف کرو اللہ کے خاطر صرف کعبے کا طواف, اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کسی اور غرض سے یہ شرک ہے, قسم کھاؤ اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے, من حلف بغیر اللہ فقط اشرک. یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں جو اللہ کے لیے کرنا ہے, اور اس میں اہل علم نے کافی تفصیلات بیان کیے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اس سلسلے میں کتاب ہی لکھ ڈالی ہے, کتاب التوحید. یہ سارے کے سارے توحید الوہیت کے تعلق سے ہی ہے, اس کتاب کو پڑھنا چاہیے کہ شرک کیسے کیسے ہوتا ہے اور عبادات جو ہے اللہ کے لیے کرنا کیسے کرنا ہے. حاضرین, یہ ہوا لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے. اس میں ایک اور بات یاد رکھیے, اگر کوئی بندہ صرف انکار کرتا ایک پارٹ لا الہ انکار کرتا ہے, سب کا انکار, ایون یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ کا بھی انکار کر دیا, سب کا صرف کلمے کے ایک پارٹ پہ عمل کیا لا الہ, اب کیا ہوگا؟ وہ بولے وہ ہوگا ایتھیسٹ, ناستک, ملحد. اس کو کہیں گے ملحد ہے, وہ سب کا انکار کیا, اللہ بھی نہیں کوئی بھی نہیں لا الہ. اور اگر کوئی بندہ صرف دوسرے پارٹ کا اقرار کرتا ہے, پہلا نہیں مانتا, یعنی اللہ سب اللہ ہے, اللہ بھی عبادت کے حقدار ہے غیر اللہ بھی عبادت کے حقدار ہیں, سب کے سامنے عبادت کر سکتے ہیں, رکوع سجدہ دعائیں فریاد توکل استعانت استغاثہ اور توکل جو کچھ ہے جتنی عبادت کی قسمیں ہیں, نظر و نیاز منت ماننا, دعا کرنا, فریاد کرنا, قیام کرنا, طواف کرنا, نظر و نیاز, ذبح کرنا, قسم کھانا, یہ ساری عبادت ہیں, اللہ کے لیے بھی کرتا غیر اللہ کے لیے بھی کرتا, وہ کیا ہوگا؟ مشرک. پہلا والا ملحد, دوسرا والا مشرک. موحد اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو ساروں کا انکار کر کے ایک کا اقرار کرتا ہے, یہی توحید. یہ ایک سمجھ مارا توحید, وہ افراد اللہ, اللہ کو اکیلا ماننا ہے. اور سب سے بہترین ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ کو اب سنگل مانے, سنگلنگ, سنگل یا یونک مانے, اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, یہ کافی تفصیلات اس کے اندر ہیں. عقیدہ اور منہج کی یہ تعلیمات ہمیں پڑھنا چاہیے, یہ ایک سرسری ایک 10-15 منٹ کے بیان میں سارے چیزوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے, اس کے لیے آپ کو کلاسز لینا ہے, باقاعدہ عقیدے کی کتابیں پڑھنا ہے. آئیے میں کلمے کے دوسرے پارٹ میں جاتا ہوں جو زیادہ اہم ہے. حاضرین, دوسرا پارٹ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ایک بات یاد رکھیے, اس میں بھی دو بات ہے, اس میں بھی دو بات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا پہلا ایمان ہو کہ وہ عبد ہیں, عبد ہیں, اور دوسرا وہ رسول ہیں. اگر کوئی بندہ صرف نبی کے عبد ہونے کا اقرار کرتا ہے, رسول کا انکار کرتا ہے, وہ کیا ہوگا؟ کافر ہے نا. اچھی طرح سے دماغ میں رکھیے, کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کا اقرار کرتا ہے, عبدہ مانتا ہے, رسولہ نہیں مانتا ہے, مومن ہوگا نہیں ہوگا؟ الٹا کرو پھر اس کو, کوئی نبی کے رسول کو مانتا ہے کہ وہ رسول ہے نبی ہے مگر عبد نہیں مانتا ہے, اب بولو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ بولیں کیا ہوگا وہ؟ ارے بولو بھائی, وہ بھی کافر ہیں. ہاں, کیونکہ دونوں کا اقرار کریں گے تبھی تو اسلام میں داخل ہوں گے, بنیاد الاسلام ہے یہ. آج کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے جو نبی کے نبوت اور رسالت کا اقرار تو کرتے ہیں, نبی رسول ہیں, نبی جو ہے نبی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں, سب مانتے ہیں. بندہ کا بندے نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کے نور ہے, اللہ کی الوہیت میں شامل ہے. میں اسی چیز کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا.
इतनी तमहीद बांधने का और सारी चीजों का मकसद यही है, इसको आप समझें। कुफ्फार और मुश्रिकीन नबी के अब्द होने का इकरार किए, और ये तो हमारे जैसे इंसान है, खाते पीते बाजारों में घूमते हैं, ये कैसे रसूल हो गए? रसूल का इनकार किए सो क्या हो गए वो लोग? काफिर हुए। और अगर कोई मुसलमान इसका उल्टा करता है, वो रसूल का इकरार करता है लेकिन नबी के अब्द होने का इनकार करता है, फतशाबहत कुलूबुहुम, ये दोनों के एक ही जैसे हो गए बात। याद रखो, हमें इस सिलसिले में चौकन्ना रहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक साहब तकरीर कर रहे और कह रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, यहां है, हर जगह मौजूद है। हम तो अल्लाह के हर जगह मौजूद होने को कुफर कहते हैं। अगर वे कहता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, कुफरी अकीदा है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लौंडी को जो बुलाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि वो मोमिन है या नहीं है मालूम करने के लिए नबी ने सवाल क्या किया, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? ये बुनियादी सवाल है, बुनियादी बातें हैं। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? जब किसी से पूछा गया, एक अच्छा खासा आदमी, कि भाई ये बोलो कि अल्लाह कहाँ है, उन्होंने कहा कि इमाम मालिक ने कहा वो सवाल अनहु बिदा, उसके ताल्लुक से सवाल करना बिदात है, काई को सवाल कर रहा है, सवाल मत करो। इमाम मालिक का मशहूर कौल है, इस्तिवा मालूम, इस्तिवा अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है मालूम है, वल कैफ मजहूल, कैफियत क्या है कैसे वो पता नहीं है, और ईमान भी वाजिब, ईमान लाना वाजिब है, लेकिन सवाल अनहु बिदा, सवाल करना बिदात है। जो सवाल कर रहे हो उसको ये समझना चाहिए, अरबी ग्रामर पहले पढ़ उसके बाद ही तुमको मालूम होना चाहिए कि सवाल किसके ताल्लुक से है, अल्लाह कहाँ, इसके ताल्लुक से सवाल करना बिदात नहीं है, कैफियत के ताल्लुक से सवाल करना बिदात है। उस सवाल अनहु, उस सवाल अनिल कैफ, कैफियत के ताल्लुक से सवाल करना बिदात है, कैसे वो सवाल नहीं करना, ये बिदात है। अलग साहब कह रहे थे अल्लाह के रसूल है, दलील क्या है? अरे मालूम नहीं। तर्जुमा क्या करते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, बोलो है अल्लाह के रसूल है तो है। अब क्या नारे तकबीर, और क्या इस्तेदलाल किया है, बेवकूफ कही क्या? उसको पता नहीं, ना अरबी ग्रामर मालूम है, ना शरीयत की रूहानियत मालूम है, कुछ पता नहीं उसको। अरबी का मामूली दर्जे का तालिब मुब्तदा और खबर जानता है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोलते हैं, इतना कोई समझ गया तो समझ जाएगा। यहां पर खबर दी जा रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, ये खबर है, ये नहीं कहा जा रहा कि मोहम्मद है। तर्जुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, भाई अल्लाह के रसूल तो है, वो कयामत हमेशा के लिए अल्लाह के रसूल है, पहले भी थे अब भी है, लेकिन यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि मोहम्मद है, यहां कहा जा रहा है कि मोहम्मद रसूल है। खबर किस चीज की है भाई, पढ़ो मालूम करो तब तो पता चलेगा। हाँ, ये अकीदा और मनहज हमें सिखाने मत आओ, पहले तुम मालूम करो कि अकीदा मनहज किसे कहा जाता है। बहरहाल, अब देखिए, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि आप नूर हैं, आप बशर नहीं है, जाहिर सी बात उनका कुफ्रिया अकीदा है। जो लोग नबी को नूर मानते बशर नहीं मानते हैं, वो नबी के खानदान का इनकार करते हैं। क्यों? ये नबी की शान में गुस्ताखी है, उनकी शान को आप ऊंचा नहीं किए बल्कि गुस्ताखी किए। नबी ने क्या फरमाया? ला तुतरोनी कमा अतरत नसारा, नसारा ने जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किए, तुम मेरी शान में इसे गुलू मत करना, मुझे उतना ही कहना मैं जितना हूं। और नबी ने यही दो चीजें पसंद किए जो शहादत है इनमें आए, तुम मुझे यही कहो इन्नमा अना अब्दुल्लाह व रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के रसूल हूं, यही कहा करो। अल्लाह के ताल्लुक, रसूल के ताल्लुक से अगर वो कहता है कि वो बंदा नहीं है, तो जाहिर सी बात, अगर नूरी मखलूक है, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, मलकुल मौत, इनके माँ बाप हैं, इनके औलाद हैं, कभी आपने सुना है फरिश्ते के ना औलाद है ना वालिदैन है? क्यों? ये नूरी मखलूक है, जो नूर है, नूरी मखलूक है, उनके औलाद और वालिदैन नहीं है। नबी को नूर मारना नबी के औलाद वालिदैन का इनकार है, आले बैत का इनकार है। नबी को आलिमुल गैब मानना वही का इनकार है, क्योंकि जिसको गैब का इल्म है उसको वही की क्या जरूरत है भाई? नबी को सवाल करते ये इंतजार करो, अल्लाह की तरफ से वही आने दो। हाँ,
तो जो नबी को आलिमुल गैब मानता वही का इनकार कर रहा है, कुरान और हदीस का इनकार कर रहा, ये गुस्ताखी है। और दूर से देखेंगे तो कुफर तक पहुंच जाए बात, कुफर तक पहुंच जाए, है ना। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें इस्लाम की सही रूहानियत स्प्रिट को समझना है कि क्या कलिमा शहादतैन में मफहूम दिया गया है। हाजरीन, आइए खुलासे के तौर पर आखिर में आ जाते हैं कि अल्लाह के ताल्लुक से हमें दो बातों का इकरार करना कि अल्लाह तबरक तआला हर तरह की इबादत तो बंदगी के हकदार है, यानी अल्लाह ताला के ताल्लुक से उबूदियत का इकरार करो कि उबूदियत यानी इबादत अल्लाह का हक है, और नबी के ताल्लुक से आबादियत का इकरार करो, अब्द से अबदियत, समझो उबूदियत इबादत से उबूदियत और अब्द से आबादियत, और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया मत करो। ये जब मिला दोगे तब जाके प्रॉब्लम होता है। जितने कुफर और शिर्क की बुनियादें हैं वो यही है कि नेक लोगों की शान में गुलू करके उनको अल्लाह के मुकाम पे बिठा देना, अल गुलू फिस सालिहीन। आप किताब तौहीद भी पढ़े, उसमें भी यही बुनियाद कि शिर्क की बुनियाद यही है नेक लोगों की शान में गुलू, नबी के मुकाम को उठाकर अब अल्लाह के मुकाम पे बिठा दे, बड़े बुजुर्गों का मुकाम नबी के मुकाम को दे दे, अल्लाह के मुकाम पे बिठा दे, यही शिर्क है। इसी से नूह अलैहि सलाम, सबसे पहला शिर्क जो हुआ नूह अलैहि सलाम की कौम में, है ना। आप पढ़ो, ला तदरुन आलिहतकुम वला तदरुन वद्द वला सुआ वला यगूथ व यऊक व नसर, ये जो कहा गया कि इनको मत छोड़ो, कहा कि हा उला ये अस्मा व रिजाली सालिहीन मिन कौमी नूह, नूह अलैहि सलाम के कौम के नेक लोगों के नाम हैं। क्या हुआ, इनके इंतकाल के बाद उनके नाम के आप जो स्टैचू बना लिए, फोटो बना लिए और उनको अल्लाह के मुकाम पे बिठा दिए, गुलू बिस्सालिहीन, नेक लोगों की शान में गुलू, ये शिर्क की बुनियाद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू करना, यहीं से शिर्क के चोर दरवाजे